हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक नए तरीके से गेहूं के आटे से चॉकलेट लड्डू बनाना बताएंगे, जिसे आपने पहले कभी ना बनाया होगा ना खाया होगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक नई और हेल्दी रेसिपी है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम बनाएंगे चॉकलेट लड्डू, वो भी बिना किसी तामझाम के, घर में आसानी से अवेलेबल होने वाले सामान से। तो कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू किचन विद प्रजय, गुड फूड बेटर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। गेहूं के आटे से चॉकलेट लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसे लो फ्लेम में हल्का गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून घी डाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें घी डाल दिया है और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर घी को अच्छे तरह से पिघलने देते हैं। तो देखिए, 4 टेबल स्पून घी डालने के बाद इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम में कर दिया था और अब धीरे धीरे करके घी अच्छे तरह से पिघल रही है। घी के अच्छे तरीके से पिघल जाने के बाद अब हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, जिसका मेज़रमेंट हमने बड़े टी कप से कर लिया है। घी पिघल चुका है, इसमें हम 1 कप आटा डाल लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल लिया है। अब गेहूं के आटे को हम घी के साथ गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेते हैं। अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम में आटे को भून लेते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान दें कि चम्मच लगातार चलाते रहें, नहीं तो आटा जल सकता है। और आटे को लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनते रहें और इसे तब तक भूनते रहें जब तक इसमें एरोमा मतलब सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट लड्डू इतना बेहतरीन बनता है कि इसे आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाना चाहेंगे। अब देखिए, ये मिक्सचर जो है घी छोड़ने लगा है और ये लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक किया हुआ काजू डाल लेते हैं और 1 टेबल स्पून बारीक किया हुआ बादाम डाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 1 टेबल स्पून बादाम और 1 टेबल स्पून काजू इसमें डाल दिया है। चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब इसे हम चम्मच चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिक्सचर को लगातार भूनने से इस मिक्सचर से सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। तो ये काजू और बादाम हमने जो इसमें ऐड किया था वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डाल लेते हैं। आप इसमें नारियल को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लगातार चम्मच चलाकर, चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। कोकोनट पाउडर डालने से लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप काजू या बादाम का ही पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़रूरी स्टेप, इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। अब कढ़ाई को गैस स्टोव से नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए, ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी पाउडर जो कि हमने 3 टेबल स्पून लिया है उसे हम डाल लेते हैं। तो हमने इस तरह से चीनी पाउडर ऐड कर लिया है और हमने जो चीनी पाउडर डाला है उसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस चीनी पाउडर को हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से अच्छे तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, गेहूं के आटे का यूज़ करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसमें चॉकलेट पाउडर मिलाएंगे तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाना बताया है। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी पाउडर ले सकते हैं और इस मिक्सचर में अगर आप इलायची पाउडर भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हर किसी को इलायची का टेस्ट उतना पसंद नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया है। वैसे तो काजू का पिसा हुआ पाउडर और बादाम का पिसा हुआ पाउडर से लड्डू का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो चीनी पाउडर इसमें ऐड किया था उसे हमने पूरी तरह से हाथ के सहायता से मिक्स कर लिया है। हमें अभी चॉकलेट लड्डू बनाना है तो यहाँ पर हम इस मिक्सचर में 2 टेबल स्पून कोको पाउडर मिला लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो चॉकलेट लड्डू बनाना बताया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे बनाने के लिए ना हमने किसी तरह का मेजरिंग कप यूज़ किया है और ना ही किसी तरह का हमने सांचा यूज़ किया है और ना तो कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर यूज़ किया है। इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, उसी से ही बनाया है। अब इसमें हमने जो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया था उसे हम अच्छे तरीके से हाथ से धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस मिक्सचर को धीरे धीरे करके हाथ से ही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसमें जो है
कोको पाउडर इस मिक्सर के साथ बहुत अच्छे तरह से मिल गया है। कोको पाउडर के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि ये जो मिक्सर है वो हाथ की सहायता से अच्छे तरीके से बाइंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर हम हाथ में लेकर ये चेक कर रहे हैं कि बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये बाइंड हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे तरह से बाइंड कर लिया है और इसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके हम इस मिक्सर से लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए, हाथों की सहायता से इसे धीरे धीरे करके गोल शेप देकर, इसे हल्का हल्का दबाकर इसे हम गोल आकार के लड्डू का शेप दे देते हैं। तो दोस्तों, ये गेहूं के आटे से हम चॉकलेट लड्डू जो बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और ख़ासकर बच्चों के लिए लड्डू बहुत ही अच्छा होगा। अब इस लड्डू का थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर कोकोनट पाउडर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे से बाउल में कोकोनट पाउडर ले लिया है और उस लड्डू को इसे अच्छी तरह से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये गेहूं के आटे से बना हुआ चॉकलेट लड्डू बनकर तैयार हो चुका है और कोकोनट की गार्निशिंग के बाद ये लड्डू दिखने में भी बेहतरीन लग रहा है। और इस तरह से हम बाकी लड्डुओं को भी बना लेते हैं और एक एक करके उसे हम प्लेट में रखते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बात तो पक्की है कि इस तरह से गेहूं आटे के चॉकलेट लड्डू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही पहले कभी खाया होगा। और ख़ासकर ये रेसिपी बच्चों के लिए स्पेशल है, तो उन्हें ये गेहूं के आटे से चॉकलेट लड्डू बनाकर देने से हेल्दी भी रहेगा और बहुत टेस्टी भी रहेगा। और इस COVID-19 के टाइम में बाज़ार से ना लाकर हम इस रेसिपी को घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखा आपने कितने कम इन्ग्रीडियंट्स में एक नए तरीके का चॉकलेट लड्डू हमने बनाकर बताया है, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, जो कि बहुत सॉफ्ट भी है। तो क्यों ना आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स पे अपने सजेशंस ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये गेहूं के आटे से चॉकलेट लड्डू बनाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल किचन विद प्रजय में आने वाले सभी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। आप सभी को किचन विद प्रजय की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।